एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा आयुष्मान योजना में हुआ है। निजी अस्पतालों ने डबल कमाई के लिए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। पहले मरीजों से इलाज के लिए रुपए वसूले और फिर उन मरीजों के इलाज के बिल आयुष्मान योजना के तहत लगा दिए, यानी मरीजों से पैसे ले लिए और सरकार से भी। इस तरह करोड़ों रुपया निजी अस्पतालों ने सरकार और मरीजों से वसूल लिया। जब जांच की आंच आई तो मच गया हड़कंप। निजी अस्पतालों का बड़ा खेल। आयुष्मान योजना में कर दिया झोल। पहले मरीजों से की गई वसूली, फिर आयुष्मान में लगाए बिल। जांच में सामने आया गोलमाल। करोड़ों का झोल हो गया खेल। अस्पतालों पर 36 करोड़ का जुर्माना। तो फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रदेश के कई निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों से पैसे वसूलने के बावजूद उनका बिल आयुष्मान भारत योजना के तहत लगा रहे हैं। बाहर से जो टेस्ट कराए जा रहे हैं वो भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर मरीजों से भी वसूली और सरकार को भी चूना। एक काम के लिए दो जगह से प्राइवेट अस्पताल पैसा वसूल रहे हैं। ये काम कब से चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है। खुलासा होने के बाद निजी अस्पताल चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। जब जांच की गई तो सारा गोलमाल और सारा खेल समझ में आ गया, बाहर आ गया। जांच के बाद कई अस्पतालों को राशि भी लौटानी पड़ी, साथ ही कई अस्पतालों पर फाइन भी लगाया गया है। चलिए पूरा मामला अब आपको समझाते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर लगा है पैसा वसूली का आरोप। तो निजी अस्पतालों पर पैसा वसूलने का जो आरोप लगा है उसके तहत 373 मरीजों से रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। आयुष्मान योजना में मरीजों का बिल लगा दिया गया। जांच में 76 अस्पताल ऐसे पाए गए जहां पर फर्जीवाड़ा हुआ था। अस्पतालों ने 1,86,00,000 रुपए लौटाए और 36 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना भी लगा। और अब आपको बताते हैं किस शहर में किन प्राइवेट अस्पतालों पर कितना जुर्माना लगाया गया है। तो देखिए भोपाल में लगा है 1,15,00,000 रुपए का जुर्माना, शुजालपुर में 2,11,00,000 रुपए का जुर्माना, ग्वालियर की बात करें तो वहां 2 करोड़ का जुर्माना लगा है, इंदौर में लगा है 1,24,00,000 का जुर्माना। और अब बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। सीएम ने आज उज्जैन में सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात की, और जैसे ही फोन की घंटी बजी सामने आवाज आई, मैं सीएम मोहन बोल रहा हूँ, आपकी शिकायत का क्या हुआ, ये शब्द सीएम के थे। सीएम ने शिकायतकर्ता की शिकायत का अपडेट लिया और 2 शिकायतकर्ताओं को अपने पास भी बुलाया। फोन पर घंटी बजी, आवाज आई, मैं सीएम बोल रहा हूँ, आपने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है, क्या है आपकी शिकायत। ये सवाल सीएम मोहन ने शिकायतकर्ता से पूछा। दरअसल उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ता से फोन पर बात की। सबसे पहले सीएम ने नवीन माथुर नाम के शिकायतकर्ता से बात की। पापा को पैरालिसिस हुआ ना, तो फिर मेरे 3 महीने हो गए, कोई बात नहीं, आप अभी ले आओ, मैं आपकी मदद कर दूंगा, है ना। थोड़ा आकलन लेके आना कितना मोटे तौर पे कितना आपको खर्चा लग रहा है, मेरे को बताना, मदद करना, ठीक है। ठीक, आइए आइए, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? नवीन माथुर आ जाएंगे, है ना, मैं किसी को बता देंगे। नवीन माथुर का आना देना भाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुनैना नाम की युवती से भी बात कर शिकायत सुनी। इस दौरान सुनैना ने स्कॉलरशिप की समस्या बताई, जिस पर सीएम ने संबंधित विभाग को समाधान के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूं अचानक शिकायतकर्ता से कॉल पर बात करने का उद्देश्य लोगों से संपर्क में रहना और उनकी परेशानी को समझना था।
सीएम ने कहा कि जो फर्जी शिकायतें हैं उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और इससे एक अच्छे तंत्र के माध्यम से शासन को जागरूकता की चर्चा भी आ जाए। लेकिन इसमें जो जान करते झूठी शिकायतें करते हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि झूठी शिकायत वाले मामले में भी शासन गंभीरता के साथ ऐसे जो गंभीर की दुरुपयोग करते हैं उसको प्रभावी तरीके से रोकने का प्रयास भी होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिकायतकर्ताओं की शिकायत को सुना, दो शिकायतकर्ताओं को स्मार्ट सिटी दफ्तर भी बुलाया ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। नवीन माथुर की शिकायत सुन सीएम ने पिता के इलाज के लिए 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।